मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है जिसमें कई सारे वर्ण मिले होते हैं, इसलिए वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला में अनेक वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वह है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ अंग और अ। अंग अनुस्वार होते हैं और अ विसर्ग कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन वह है जो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, जैसे क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ। अब हम पढ़ेंगे बिना मात्रा के शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती, यानी दो वर्ण मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ में हमने बनाया त प्लस न तन, फ प्लस ल फल, स प्लस ब सब, क प्लस ब कब, अ प्लस ब अब, फ प्लस न फन, म प्लस न मन, ख प्लस ग खग, ब प्लस च बद। इस प्रकार हमने देखा दो वर्णों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है। ये शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि इन शब्दों का एक अर्थ होता है। अगली कक्षा में हम तीन वर्ण या चार वर्ण वाले शब्द पढ़ेंगे।